प्रतापगढ़ में वित्तीय विहीन शिक्षक के प्रदेश प्रभारी मनीष शुक्ला टीसू ने वित्तीय विहीन शिक्षकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान वित्तीय विहीन शिक्षकों ने मौजूदा सरकार से अपने संकल्प पत्र में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा को निःशुल्क करने के लिए कहा था। पिछली सरकार में जो मानदेय वित्तीय विहीन शिक्षकों को मिल रहा था, इस सरकार में मानदेय वित्तीय विहीन शिक्षकों को बंद कर दिया है। इससे वित्तीय विहीन शिक्षकों के परिवारों में मायूसी छाई हुई है। वित्तीय विहीन शिक्षकों ने राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कराने के लिए एक दिवसीय धरना दिया। वित्तीय विहीन शिक्षक के प्रदेश प्रभारी मनीष टीसू जी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि इस एक दिवसीय धरना के बाद भी सरकार नहीं जागेगी तो वित्तविहीन शिक्षक विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश प्रभारी मनीष शुक्ला टीसू ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ व जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज़। आप लोग एक दूसरे धरने पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हम लोग वित्तविहीन शिक्षकों के लिए मानदेय के लिए मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, सरकार के बनने से पहले जो इनका संकल्प पत्र था उसमें यह था कि यहाँ सबका साथ सबका विकास किया जाएगा, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों को समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से 1,500 रुपये जो भी मानदेय के नाम पर दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर एक दूसरे धरने पर बैठे हुए हैं। और यह केवल प्रतापगढ़ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना दिया जा रहा है। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि ये जो हमारे वित्तविहीन शिक्षक हैं, वित्तविहीन शिक्षकों को नियमावली बनाई जाए, समान कार्य का समान वेतन हमको दिया जाए, और यह समान कार्य का समान वेतन हमको तत्काल में नहीं दिया जा सकता है तो हमको सम्मानजनक मानदेय जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह रखा है, और हम लोग कम से कम 10 बार माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से मुलाकात किए, उन्होंने इस बात को भी कहा, तो हमको जो सम्मानजनक मानदेय हमारा मानदेय दिया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शुक्ला, संगठन में प्रदेश सह संयोजक। हम लोगों का एक पूरे प्रदेश में जितने भी वित्तविहीन शिक्षक संगठन हैं, सभी शिक्षक संगठन मिलकर के एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नाम पर एक संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं, जिसमें मुझको प्रदेश सह संयोजक का दायित्व मिला हुआ है। आज ये जो एक दिवसीय धरना हो रहा है, अगर इससे सरकार चेत लेती है तब तो ठीक है, हम लोगों को दिवाली तक में या 20 नवंबर से पहले अगर हमको मानदेय दे देती है तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में 20 नवंबर तक हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के लाखों शिक्षक रोड को जाम करेंगे और वहां पर हम लोग धरना देंगे, और जब तक मानदेय हमको नहीं मिल जाएगा, हमारा सम्मान हमको नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग वहां से नहीं हटने वाले हैं।